नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चों। बच्चों मुझे पता है कि मैंने बड़ा बेकार से सवाल पूछ लिया कि क्या हाल चाल है, क्योंकि आप सब स्ट्रेस में होंगे और ये मैं चीज समझ सकती हूँ, क्योंकि बस 3-4 दिन के अंदर आपका पहला एग्जाम जो है वो आने वाला है, दैट इज इंग्लिश का एग्जाम। बट वेल, इंग्लिश में काफ़ी कुछ कवर मैंने करवा भी लिया है, तो आई होप कि वो सारे वीडियोज आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहे होंगे इन द प्रिपरेशन। तो आज बेटा हम करने वाले हैं सेक्शन बी के अंदर जो पोएट्री क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। 20 आई थिंक इतने क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, तो इतना आप कर लेंगे तो आपका पोएट्री सेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो पोएट्री में बेटा एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो ये होती है कि छोटी सी पोएट्री होती है। ठीक है, सवाल कैसा ही पूछ ले, सेंट्रल आइडिया अगर आपको पता होता है ना तो आप घुमा फिरा के आंसर लिख सकते हो, 2 मार्क का ही आपको एक आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ होता है नहीं। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए, PYQB मैंने कवर कर लिया इसके अंदर, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, कमेंट ऑन द ह्यूमर इन द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब ये 22 में पूछा गया था सेम क्वेश्चन, नरेट इन योर ओन वर्ड्स दैट द टेल ऑफ कस्टर्ड। अब ह्यूमर बता दो, अपने खुद के लैंग्वेज में उसको बताओ, बात तो एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द टेल ऑफ कस्टर्ड इज अ ह्यूमरस पोयम रिटन बाय द ऑगडेन नाश। द टेल ऑफ कस्टर्ड इज अ लाइट हार्ट पोयम, ठीक है, बड़ी मजाकिया सी पोयम है, इट इज ऑलमोस्ट अ पैरोडी। द नेम्स ऑफ द पेट्स ऑफ द बेलिंडा आर ऑल राइमिंग। ठीक है, अब जो उसके पेट्स के जो तो नाम है ना, सारे राइमिंग में काफी फनी नाम है। एंड बेलिंडा जो है वो कंपेयर कर रही है, ओके, बेलिंडा हैज बीन कंपेयर्ड, बेलिना को कंपेयर किया गया है टू द बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब इसके अंदर द किटन माउस बोथ आर लाइक लिटिल कुड चेज लायन डाउन द स्टेयर्स, द लिटल येलो डॉग वॉज एज ब्रेव एज टाइगर। ठीक है, मतलब आप कंपेरिजन देख रहे हो कि येलो डॉग जो है छोटा सा वो टाइगर के जितना ब्रेव है, ऐसे कंपेरिजन किया जा रहा है। एंड द ड्रैगन, अब जो इतना ज्यादा ड्रैगन मतलब कितनी ह्यूज उसकी बॉडी होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉज अ कावर्ड, ओके, एंड सबके सब उसको चिढ़ाते हैं। हाउएवर व्हेन द पायरेट केम टू देयर लिटिल हाउस ऑल ऑफ देम वर एंगल्ड इन फेयर एंड हैड हिट themselves, ठीक है, सबके सब डर गए और डर के मारे वो सबके सब छुप गए। आयरनिकली, ठीक है, अब जो जिसको हम लोग ना डरपोक मान रहे थे, कॉवर्ड मान रहे थे ड्रैगन को, वो बाहर आया और उसने सबको रेस्क्यू किया एंड जम्प स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। ठीक है, उसके ऊपर यूं बिल्कुल घुराड़ते हुए उसके ऊपर जम्प कर दिया। इट क्लैशेज इट्स टेल, ठीक है, अपने टेल को हिला रहा है, एंड चार्ज्ड एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म एंड एट हिम अब, ठीक है, जैसे कि वो उसको पूरा का पूरा खा जाएगा। इवन एज एवरीबडी बिकेम हैप्पी टू सी, ठीक है, सब लोग खुश हुए कि अरे हम तो जिसको कावर समझ रहे थे वो इतना ज्यादा ब्रेव है। ठीक है, ड्रैगन के ब्रेवरी को उन्होंने देखा, बड़े खुश हुआ। बट फिर, ठीक है, जब फिर से वो सब वो बाहर आए, वो सब पूरा किस्सा खत्म हो गया, दे अगेन केम बैक टू द ग्लोरीफाइंग देमसेल्स। ठीक है, सब फिर खुद को ही ब्रेव मान रहे थे और वो ऐसे कह रहे थे दैट दे कुड हैव बीन ट्वाइस और थ्राइस ब्रेवियर, ठीक है, हम तो इससे ज्यादा, ठीक है, ब्रेवर हैं, ब्रेवियर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग करेजियस हैं। फाइनली द एंड ऑफ द पोयम द सिचुएशन केम बैक, ठीक है, अब जो स्टार्टिंग था पोयम का वो क्या था, पोयम का स्टार्टिंग भैया ड्रैगन डरपोक है, हम सब जो है वो, हम सब इतनी सारी क्वालिटीज़ है, ये सब घटना हुई उसके बावजूद फिर से वो सेम चीज़ पे आ गए, अगेन केम बैक टू द अदर पेट्स बींग ब्रेव एंड द ड्रैगन बींग द कावर्ड। ठीक है, तो ये बड़ी लाइक हंसी वाली बात है, तो ये मजाकिया में है, तो लाइट हार्टेड पोयम है, कोई इतना ज़्यादा आपको ना ज्ञान नहीं जा रहा है इस पोयम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द ट्रीज विद पेशेंस। ठीक है, ट्रीज को पेशेंस से कंपेयर क्यों किया गया है, अभी पोयम जो है ट्रीज वो किसने लिखी है, एंड्रीन रिचर्ड रिच ने, ठीक है, और वो यहाँ पर ट्रीज से सिम्बॉलिकली बना, ट्रीज को एक तरीके का सिम्बॉल दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी नीड टू टेल, ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि वही ब्रांचेस को एक्चुअली कंपेयर किया गया है यहाँ पे किसके साथ, पेशेंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस विच आर वेरी लॉन्ग एंड क्रैम्प्ड एंड हैव बीन शफलिंग फ्रॉम रूफ विथ अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हुम लॉन्जली वांटेड टू कम आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर इलनेस एंड ऑल द पेशेंट्स लुक half dazed as they are not completely recovered। ठीक है, अब जो नई नई ब्रांचेस है ना, तो ब्रांच जो ब्रांच निकल रही हैं वो ट्री जो है रूफ के अंदर है, तो वो जो है वो उस ट्री रूफ को काट कर या उसको तोड़ कर ऊपर की तरफ जा रही है। अब नई नई ब्रांचेस में इतना ज़्यादा तो पावर नहीं होता है,
ठीक है। तो इसके लिए उन ब्रांचेस को कंपेयर किया गया है पेशेंट्स के साथ, जब बहुत लंबी बीमारी से जब पेशेंट बाहर निकलता है रिकवरी होने के दौरान, जब वो बाहर आता है हॉस्पिटल में, तो वो कैसा होता है, ठीक है, अधमरा जैसा होता है, चलता भी है वो, उतना होशो आवाज भी नहीं होता है, बट उसके अंदर एक विल होता है कि बस मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलना है, ठीक है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वो जो कन्फाइंड एरिया होता है हॉस्पिटल का, उसमें रह रहे के इतना ज्यादा पक जाता है कि उसको बाहर जाना होता है। तो दैट्स वाई उस तरीके से ब्रांचेस जो है वो जो उग रही है वो रूफ के अंदर रह रहे के पक गई है, वो उनको बाहर निकलना है, बस हमें बाहर जाना है। तो इसके लिए पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है ब्रांचेस को। द पोएट शोज दिस कंपेरिजन बिकॉज इन अ सिमिलर वे टू पेशेंट्स द ब्रांचेस ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द रूफ एंड डिजायर टू स्प्रेड देमसेल्व्स इन द फ्रेश एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वॉट इज डस्ट ऑफ स्नो, हाउ हैज इट चेंज द पोएट्स मूड। देखो, डस्ट ऑफ स्नो पोयम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। द पोयम इज वेरी शॉर्ट, काफी प्यारी तरीके से लिखी गई है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि स्नो के छोटे छोटे से फाइन पार्टिकल्स। द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन द पोएट, ठीक है, अब जब पोएट पे वो जो स्नो गिर रही है उससे उनका मूड जो है वो काफी चेंज हो गया। ठीक है, द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पहले काफी दुखी दुखी था, पर जब वो उसने उस पर उसका स्नो गिरा ना शोल्डर पे, तो वो ठंडापन आया, सॉफ्टनेस आई, तो उससे उसका मूड जो था वो बदल गया। ठीक है, अब जो है, ठीक है, अब वो जब वो देख रहे हैं अपने आसपास, हो रहे मैं इतनी सुंदर जगह है मेरे आसपास, ठीक है, इतना सुंदर तरीके से स्नोफॉल हो रहा है, मैं कहाँ अपने डिप्रेशन एंग्जाइटी में बैठा हुआ हूँ, रेदर देन मुझे तो इसको इंजॉय करना चाहिए था। तो इसके लिए उसका मूड जो दुखी था वो हैप्पी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो ही फील्स रिवाइव्ड एंड ऑब्लाइज्ड टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ट्री पोयम है वो बेसिकली एंड्री रिच ने लिखी थी, इट्स अ मेटाफर। ठीक है, मेटाफर जहाँ पे ट्री को कंपेयर किया जा रहा है विद द वुमेन। ठीक है, वुमेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, ट्री को दो तरह कंपेयर किया, एक तो अपने पहले आगे देखा ना, तो पेशेंट, बट वो पेशेंट के लिए सिर्फ एक्चुअली ब्रांचेस को कंपेयर करे, पूरे ट्री को कंपेयर नहीं कर रहे, है ना, मेरी बात को क्लियर करना। ब्रांचेस को कंपेयर कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, ठीक है, जैसे अपने बोला क्लिनिक से बाहर निकलना है, बट पूरे के पूरे ट्री की पोयम के अंदर पूरे ट्री को सिम्बॉलिकली जो है वो कंपेयर किया गया है विद द वुमेन। सो यहाँ पे द पोएट इज फेमिनिस्ट एंड हाईलाइट्स द डिजायर ऑफ वुमेन। ठीक है, जैसे ट्री की डिजायर थी फ्री होने की, वो कंफाइंड एरिया से बाहर निकलने की, उस तरीके से जो औरत है, ठीक है, उसकी भी डिजायर होती है कि वो भी फ्री हो जाए और वो भी बाहर जाए इन द ओपन। द पोएम यूजेज द मेटाफोर ऑफ ट्रीज ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ हाउस। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम अ हाउस मतलब कि घर से, तो जो जो बंदिश है औरतों को पकड़ के रखती है ना, ठीक है, वो बंदिश हैं, वो जो क्या बोलते हैं, हथकड़ियाँ उनको पहनाई गई हैं समाज के द्वारा। ठीक है, औरतें जो है वो उसको तोड़ के बाहर निकलना चाहती है और आज़ाद तरीके से उसको वो हवा को महसूस करना चाहती है और आज़ाद जिंदगी जीना चाहती है। तो ये पूरा उसके अंदर है। ओके, टू रिप्रेजेंट द नेचुरल वर्ल्ड स्ट्रगल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ह्यूमन सिविलाइजेशन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब कि वो लिमिटेशन। ठीक है, द ट्री वॉन्ट्स टू फ्री themselves फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड गो इन द ओपन फॉरेस्ट। वो बाहर निकलना चाहता है। दे आर क्रैम्प्ड इन द हाउस एंड देयर फीलिंग्स कैन बी फेल्ट। ठीक है, जिसे वो हाउस को दीवार को तोड़ रहे हैं ऐसे करके जा रहे हैं, तो वो फील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि हाँ मतलब उनको बाहर निकलना है। तो यहाँ पे पोएट में जो पोयम है वो सजेस्ट कर रही है यहाँ पे दैट ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर रेदर देन ट्राइंग टू डोमिनेट एंड कंट्रोल इट। ठीक है, तो यहाँ पे दो देखो, एक बात बताओ बेटा, पोयम की बात ऐसी होती है ना कविता, कि जो कवि होता है ना वो अपनी मन मर्जी में बस कविता लिखते जाता है, जो पढ़ने वाला होता है ना वो उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ रहा है उसके अंदर, है ना। एक तरीके से हमने इसको विमेन के साथ ही कंपेयर किया, एक तरीके से हम ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि भैया ट्रीज जो हैं वो ओपन, नेचर ने उसको ओपन खुला रखा है, तो आप घरों के अंदर कहाँ गमले लगा रहे हो ना ये लगा रहे हो, उनको ओपन दो, उनको नेचर के साथ करने दो, और हमें नेचर के साथ हारमोनी बना के रहना है, ठीक है, ना कि उनको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे नेचर की बात भी हो जा रही है और वुमेन की बात भी हो जा रही है, पेशेंट की बात भी हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी मेटाफोरिकल देखा जाए तो पोएम है, जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बेटा बॉल पोएम से आया है, यहाँ पे जॉन बेरमैन ने
इस पोएम के थ्रू डिस्क्राइब किया है अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। मैंने कहा कविता के अंदर कवि की क्या कल्पना है वो उनको पता और हम लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो हमें पता। ओके, सो विच एवरी वन हैज़ टू फेस वन डे, जिसको हर एक सबको वो चीज़ वो एक दिन तो आता ही आप सबको सहन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो पोएट है वो अपनी कविता के थ्रू ये बता रहा है कि लाइफ में ना दुख वगैरह आएंगे बट उसके उससे मूव ऑन कैसे करना है, ठीक है, वो एक्चुअली इस पोएम में है। सो अब यहाँ पे कह रहा है कि बॉय, जब पोएट ये कह रहा है कि मैं वो जो लड़के ने बॉल घूम कर लिया तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, ठीक है, और ना ही मैं उसको दूसरे पैसे दूंगा दूसरा बॉल खरीदने के लिए। क्यों? द बॉय इज शेकन बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल, ठीक है, बेचारा टूट गया, उसका इतना अच्छा प्यारा बॉल था उसे छीन, मतलब वो पानी में डूब गया। द पोएट सेज दैट ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन द बॉय एट सच अ मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर उसको वो मनी दे देता कि भाई दूसरा बॉयल लेके आ, ठीक है, तो वो बॉयल जो वो बेफिजूल था, ओके, इट वुड बी फुटाई। क्यों? क्योंकि वो जो बॉल था ना वो उसके दिल के करीब था, तो वो गम कितने भी बॉल ला के दे दो बट वो अपनी वो जो दिल चाहने वाला जो खिलौना है ना, ठीक है, उसे उभर नहीं पाएगा, ठीक है। तो इट ट्रूली नेवर रिकवर वॉट ही हैज लॉस्ट द बॉय। सो द पोएट वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई पहली बात है कि तुम्हारी चीज़ें ध्यान से रखो और अगर वो खो जा रही हैं तो आपको उसको सहन करना पड़ेगा और लाइफ में ना जाने कितनी चीज़ें आपसे छिन जाती हैं एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द फॉग। और 22 में सवाल पूछा गया था व्हाई डज द कार्ल सैंडबर्ग रिफर टू कैट व्हाइल डिस्क्राइबिंग द फॉग, ठीक है। फॉग को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कैट का क्यों एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो दोनों का आइडिया सेम ही है। सो इन द पोएम फॉग द पोएट यूजेज एन इंटरेस्टिंग मेटाफोर, फिर से मेटाफोर यहाँ पे कंपेरिजन आ रहा है, डिस्क्राइबिंग एन एलिमेंट ऑफ द नेचर। अ फॉग क्या है? फॉग तो नेचर का ही एक पदार्थ है ना। सो ही इनडायरेक्टली कंपेयर्स फॉग टू कैट बाय प्रेजेंटिंग द आइडिया दैट द मूवमेंट्स ऑफ द फॉग आर मच लाइक दैट ऑफ अ कैट, ठीक है। फॉग जो है वो चुप चुप करके आ जाता है, जैसे बिल्ली घर में दबे भाव आती है ना, पता भी नहीं चलता, ठीक है, जब तक वो दूध का वो तपेला ना गिरा तब तक पता नहीं चलता कि बिल्ली आ गई है। ओके, सो इट एंटर्स अ सिटी साइलेंटली विदाउट लेटिंग एनी वन नो। तो फॉग भी जो है वो सिटी में आया है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि फॉग आया है, एंड जस्ट लाइक द सेल्दी मूवमेंट ऑफ अ कैट देन इट स्प्रेड्स ओवर द एंटायर सिटी, पूरे सिटी में फैल गया। जस्ट लाइक अ कैट सिट्स फॉर अ वाइल इन वन प्लेस एंड वॉचेस इट सराउंडिंग, ठीक है, तो पूरे सिटी को वो देख रहा है, जैसे बिल्ली एक कोने में बैठकर सब कुछ देखती है ना, उस तरीके से फॉग जो है वो सिटी में पूरा घूम रहा है, वो बैठ तो नहीं है पर घूम के पूरा सिटी को देख रहा है। फाइनली फॉग लीव्स द सिटी क्वाइटली लाइक अ कैट। सो इन दिस वे पोएट जो है वो पूरा फॉग को कंपेयर कर रहा है कैट के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज द पोएम अमांडा टेल अबाउट हर। उसके अलावा आपको 21 में पूछा गया था एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स हाउ अमांडाज फ्रीडम इज कटल्ड, कटल मतलब कि लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, तो पूरे की पूरी वही चीज़ है इसके अंदर। सो यहाँ पे जो गर्ल है अमांडा है वो क्या इच्छा कर रही है, फ्रीडम की और सॉलिट्यूड की, मतलब मुझे अकेला रहना है और आज़ाद रहना है ऐसे करके, ठीक है। क्यों? बिकॉज हर पेरेंट्स आर ऑलवेज टेलिंग हर हाउ टू बिहेव, स्पेशली उनकी मम्मी की बात हो रही है, ठीक है, कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, हाउ टू ग्रूम वेल, अच्छे से रहो, नाखून काट के रहो, बाल ऐसे करो, ये पूरी पूरी उसकी मम्मी उनको टांट 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 बोले जाती थी अमांडा को, ठीक है। हाउएवर अमांडा परसीव्स ये सब सुन सुन के ना वो पक गई देयर स्कोल्डिंग एज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन हर फ्रीडम, उसको लगता है कि क्या है, ठीक है, मुझे मेरी तरह क्यों नहीं जिए, लाइक जैसे मैं जीना चाहती हूँ मुझे क्यों नहीं जीने दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पोएम है वो हमें ये बताती है कि अमांडा इज अ यंग रेस्टलेस गर्ल विथ अ विविड इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन तो लाइक विविड ऑन द लिविंग, ठीक है, वो लाइव ऐसे खुद के सपनों में जी रही है कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए। इवन एज शी इज बींग स्कोल्डेड बाय हर मदर अमांडाज माइंड वंडर्स टू इमेजिनरी सीनेरियोस, ठीक है, उसकी मम्मी डांट रही है बट फिर भी है ना वो अपने ख्यालों में है, ठीक है, कभी उसको मरमेड बनना है, ठीक है, जल मछली, कभी उसको अनाथ बनना है, कभी उसको रैपंज़ेल बनना है, ये शो कर रहा है कि वो जो है वो अकेला रहना चाहती है एंड शी विल नॉट बी बॉदर्ड बाय हर पेरेंट्स, ठीक है, एंड मतलब उसके पेरेंट्स को परेशान करे वो, मतलब उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं होने चाहिए, वो तो एक्चुअली यही चाह रही है, उसको फ्रीडम चाहिए और वो जो जो करना चाहती है ना उसको वो करने दिया जाए जो उसको पसंद है। तो दैट इज़ द सेंट्रल पोएम ऑफ द सेंट्रल मीनिंग ऑफ द अमांडाज पोएम। नेक्स्ट,
What does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं? या इसका 22वां सवाल पूछा गया था, उसका भी आंसर सेम लिख सकते हैं, न्यू बॉल कैन नॉट रिप्लेस द ओल्ड वन. ठीक है, और तीसरा, वॉट डज द लॉस ऑफ बॉय बॉल टीच द बॉय. ठीक है, तो सबका देखो मैंने क्या बताया था कि पोएम के अंदर ना सेंट्रल, अगर कुछ भी आपको लर्न नहीं करना है, आप सेंट्रल थीम जो होंगी पोएम की होती है वो लर्न करके जाओ. ठीक है, उसमें से आंसर जो भी है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, और 80% आंसर जो है वो सेम का, क्योंकि पोएम इतनी सी तो होती है, उसमें तो तुम क्या अलग 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 करोगे. ठीक है, तो उसमें तुम्हारा आंसर हो जाता है. तो आप इस तरीके से पोएम वाले सेक्शंस को प्रिपेयर कर सकते हो. सो एज पर द पोएट, द बॉय इज लर्निंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, क्योंकि फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, उसका बॉल खो गया, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला कि उसको खोना नहीं चाहिए था, दूसरा ये था कि उसको ध्यान में रहेगा, तीसरा ये था कि अब खो गया तो मूव ऑन. ठीक है, इस तरीके से बाय लॉसिंग द बॉल, द बॉय हैज ऑल्सो लॉस्ट ऑल द चाइल्डहुड मेमोरीज. ठीक है, सारी की सारी मेमोरीज जो बॉल के साथ एसोसिएटेड थी वो भी सारी की सारी पानी में बह गई. ठीक है, छपाक. सिंपली बाइंग अ न्यू बॉल कैन नॉट ब्रिंग बैक दिस मेमोरीज. ठीक है, अब न्यू बॉल खरीद भी लोगे तो पुराने बॉल के साथ जो मेमोरीज जुड़ी हुई हैं वो तो वापस नहीं आएंगी. तो यहाँ पे बॉय को, उस लड़के को सीखना पड़ेगा दैट वर्ल्ड इज मटेरियलिस्टिक एंड लूजिंग वैल्यूएबल थिंग्स विल बी इनवेटिबल. ठीक है भाई, दुनिया जो है ना वो मटेरियलिस्टिक ही है, और यहाँ पे चीज़ें जो है वो खोती रहती हैं, मतलब लॉस्ट होगा ही होगा. वॉट इज लॉस्ट, अब क्या नहीं खो सकता है. ठीक है, और सॉरी, जो चीज़ खो गई है वो वापस से कभी रिटर्न नहीं हो सकती, और यही जिंदगी की सच्चाई है. ठीक है, कभी हमारे लव्ड वंस खो देते हैं. ठीक है, कभी अच्छा फ्रेंड हमसे दूर चला जाता है, जिसकी याद तो सताती है बट जा नहीं सकते हैं उसके पास. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. द पोएट सेज द बॉय विल लर्न टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी, और उसको मूव ऑन करना पड़ जाएगा. ठीक है, आप बैठ के रो नहीं सकते हो चीज़ों के ऊपर. नेक्स्ट, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द पोयम फायर एंड आइस. ठीक है, फायर एंड आइस में एंडिंग का क्या था? तो बेसिकली ये पोयम के एंड में यहाँ पे ये इम्प्लाई कर रहा है कि आइस हैज ऑल्सो द पावर टू ब्रिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, पहले तो सिर्फ फायर की बात कर रहा था, बट आइस भी डिस्ट्रक्शन ला सकती है. सो हमें ये मैटर ही नहीं करना है कि फायर और आइस में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है, रैदर हमें ये ध्यान देना है कि दोनों के दोनों डिस्ट्रक्टिव पावर है, तो वी शुड नॉट इग्नोर द पोटेंशियल पावर ऑफ आइस विच इज इक्वली हार्मफुल. मतलब कि एंड पहला पैराग्राफ में फायर के लिए बताया था, एंड पैराग्राफ में आइस के लिए बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको आइस के बताया कि आइस भी उतना डिस्ट्रक्टिव होगी, सबको दिमाग में आता आग. ठीक है, और यहाँ पे आग लग गई है ना, आग लग गई, ये घर जल गया, ये मर गया, ये तो हमें आग से बहुत खतरा रहता है, हमें लगता है कि आग. बट वो कह रहा है कि आग जितनी ज़्यादा पावरफुल है डिस्ट्रक्शन में, आइस भी उतनी ही ज़्यादा है, तो आप आइस को कम मत समझना. ठीक है, नेक्स्ट, Why does Amanda wish to be mermaid, an orphan or Rapunzel? ठीक है, तो बेसिकली सीधी सी बात है, वो mermaid बनना चाहती थी so that she could drift alone blissfully in the languid emerald sea. मतलब जल मछली है. ठीक है, बस बहती रहे अंदर. वो orphan भी बनना चाहती है ताकि, ठीक है, she would be able to roam the sea and make the pattern using her bare feet. ठीक है, नंगे पाँव से वो नहीं होते हैं, और ऐसे करके पैटर्न्स बनाना, स्ट्रीट पर नंगे पाँव घूमना. ठीक है, कोई को रोके नहीं. एंड वो रपूजल भी बनना चाहती है फॉर हर मीन्स लिविंग द केयर फ्री इन हर हाई टावर. एक हाई टावर पर रहे और बिंदास जिंदगी जिए. ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली ये है कि उसका वो जो सफोकेशन वाली जिंदगी है ना उसकी, ठीक है, सो शी कुड अवॉइड हर सफोकेटिंग रियलिटी. ठीक है, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं. डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपूंजल? Why does she wanted to be the Rapunzel? ठीक है, क्या है कहानी इसकी, पता है? चलो देख लेते. Amanda wants to be Rapunzel because she wants to live alone. ठीक है, कि वो अकेले रहना चाहती है. Rapunzel जो थी वो भी अकेले रहती थी in a tall tower and had long beautiful golden hair. ठीक है, बड़े से लंबे लंबे golden बाल थे. She was held captive by her grandmother who came up the tower by climbing her long hair. The girl also want to live alone in tower as she would not have to care about anything. Her life in a tower would be tranquil, peace and rare. However, she also decided she would never throw down by her hair for anyone to come up. ठीक है, तो अब एक्चुअली तो क्या उसके बाल इतने लंबे थे कि वो विंडो से उसके बाल नीचे की तरह गिर रहे थे. उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बाल पकड़ते 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 ऊपर आई. ठीक है, और फिर उसको पकड़ लिया, कैप्टिव कर लिया, कैप्चर कर लिया. तो ये कह रही कि मुझे वो लंबे टावर पे जाना है, मुझे उसी तरीके से अकेली जिंदगी जीनी है, केयर फ्री करके अपनी मर्जी से. हाँ, पर मैं ना अपने बाल जो है वो खिड़की के वहां पे नहीं रखूंगी ताकि कोई ऊपर चढ़ नहीं पाए. ठीक है, वो उसकी कल्पना.
ठीक है, तो शी वुड नेवर थ्रो डाउन हर हेयर फॉर एनीवन टू कम अप एज शी वांटेड टू लिव अलोन बाय हर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड लिस्ट देम विद द नेम्स. ठीक है, तो उसके अंदर बेलिंडा जो छोटी सी लड़की है, उसके पेट लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, येलो डॉग, ड्रैगन एंड अ पैरेट. ठीक है, अब उसका कोई नाम तो है नहीं. किटन का नाम है इंक, माउस का नाम है ब्लिंक, डॉग का नाम है मस्टर्ड, ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड. राइमिंग आया इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड. ठीक है, ये राइमिंग तरीके से. नेक्स्ट, डू यू थिंक अमांडा इज सकिंग एंड इज मूडी. नो, अमांडा इज नॉट सल्किंग और मूडी. शी डज नॉट लाइक टू लिसन टू हर पेरेंट्स कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग एंड नेगिंग, सो शी चूजेज टू स्केप इन टू द इमेजनरी वर्ल्ड. ठीक है, वो उसके मम्मी वो बोल करती थी. हमसे भी होता है, आप लोग भी करते होंगे ना. मम्मी जब ज़्यादा डांटती हैं तो फिर हम सुनना छोड़ देते हैं. ठीक है, तो शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी मरमेड. वही सेम ही है, ऑर्फन और रैपुंज़ल, वेयर शी कैन एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड पीस. दिस गिव्स हर पेरेंट्स द इम्प्रेशन दैट शी इज सल्किंग, बट इन रियलिटी शी जस्ट चूजेज टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ बाय यूजिंग हर इमेजिनेशन. ठीक है, तो उनके मैं लगता है कि ये ना सल्किंग मतलब नौद हो गई है. ठीक है, नौद हो गई, वो अपनी मर्जी का ही करती है. आपको भी मम्मी डांटती होंगी, मैं कुछ बोल रही हूँ सुन लिया कर मेरी बात. ठीक है, ऐसे कुछ बोलते रहते ना मम्मी, एक्सपीरियंस है मेरे पास. ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ. ये जब ये सब शब्द आते हैं तो हम यू करते हैं, पर फिर हम अपनी हमारी दुनिया में होते हैं. तो सेम जो आप हो ना, वही अमांडा है. ठीक है, बस और कुछ नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट टाइगर सिचुएशन इनसाइड एंड आउटसाइड द जू. ठीक है, टाइगर की सिचुएशन बतानी है, जू के अंदर और जू के बाहर कैसी थी. तो चलो सेम क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा बहुत डिफरेंस है. वेयर वुड द टाइगर बी एंड वॉट ही बी डूइंग इफ ही इज नॉट इन द जू. अब जू में नहीं होगा तो कहाँ होगा, फॉरेस्ट में होगा. तो इनसाइड मतलब हमें यहाँ पे आउटसाइड द जू की कहानी लिखनी है उसके अंदर, क्वेश्चन सेकंड के अंदर. अकॉर्डिंग टू द लेस्ली नॉरिस, वॉट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, अब इसका मतलब कि हमें जब वो फॉरेस्ट में रहता है तो फिर तो देखो फॉरेस्ट में रह, तीनों के तीनों क्वेश्चन में फॉरेस्ट तो आ ही रहा है, तो सेम क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इसके अंदर. ठीक है, तो अब जू के अंदर छोटा सा केज है जहाँ पे उस टाइगर को कोई फ्रीडम नहीं है. टाइगर बहुत ज़्यादा दुखी है और फ्रस्ट्रेटेड है, रेस्टलेस और गुस्से वाला है. मतलब गुस्सा आएगा नहीं, आप अगर हमें कोई एक ना चार बजे जाके कमरे बंद कर दे, ठीक है, बाहर निकलने की कोई संभावना ही ना हो, तो हम भी गुस्से में आ ही जाएंगे ना. ठीक है, आप तो संडे को भी मम्मी बस पापा में मैं कहीं बाहर लेके चलो, पूरा दिन हम ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, संडे वी नीड मिनी वैकेशन. ओके, संडे में बाहर लेके जाओ, हम बोलते हैं ना, बोलते हैं ये चीज़. ठीक है, तो बस अब अगर हम नहीं सहन कर सकते हैं तो टाइगर कैसे सहन करेगा. ठीक है, तो वो उसका नेचर. फॉरेस्ट के अंदर होता तो बस ही इंजॉयज मूविंग मैजेस्टिकली वेर एवर ही वॉन्ट्स, जहाँ पे वो जाना चाहे जा सकता है. टेररराइज द विलेजर्स, विलेजर्स को डरा सकता है. बट डिस्प्लेइंग इज द शार्प टीथ, ठीक है, ऐसे नुखीले नाखून और दांत दिखा के डरा सकता है. हैप्पी रहेगा फॉरेस्ट में, ठीक है, क्योंकि उसको आज़ादी मिलेगी बाय द सराउंडिंग्स, बट जू में वो हैप्पी नहीं है. तो देखा जाए पूरी की पूरी हमने फॉरेस्ट की कहानी लिख दी है, तो वो वाला आपका मेन रहेगा आंसर. नेक्स्ट, व्हाई डज द मैन से टू एनी अबाउट लव. ठीक है, लव के बारे में क्या क्यों बता रहा था उसको. सो अब द ये जो पोयम है वो बेसिकली कन्वर्जेशन है बिटवीन द पोएट यीस्ट एंड द यंग नेम गर्ल द एनी ग्रिगोरी है ना, ग्रिगरी. ओके, द पोएट टेल्स हर दैट इफ शी फाइंड्स अ यंग बॉय. ओके, अब वो पोएट जो है वो उसको कह रहा है कि अगर तुम्हें एक नौजवान लड़का मिल जाएगा, ठीक है, हु बिकम्स सैड बिकॉज ऑफ अ रिजेक्शन, तुम्हें मिल रहा है और तुमने उसको मना कर लिया और वो बड़ा दुखी हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार करने वाला होगा. ओके, वो तुम्हारा ट्रू लवर है कि आपने मना कर लिया, वो दुखी हो गया, ठीक है, आंसू बैठ के बाहर आया है, देवदास बन गया. तो देवदास बन गया तो मतलब ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा सच्चा वाला आशिक होगा. ओके, ही कुड हैव बीन इन लव विथ हर, वो उसके साथ प्यार में होगा, बट क्यों होगा, बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल येल्लो हेयर. मतलब कि यहाँ पे पोएट जो उसको बता रहा है कि हो सकता है कि वो तुमसे अट्रैक्ट हो चुका हो बिकॉज ऑफ योर फिजिकल आउटसाइड फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है, इस तरीके से बिकॉज ऑफ हर अट्रैक्टिव लुक. ही सेज दैट अ ट्रू लवर विल बी द वन हु विल लव हर फॉर हर इनर क्वालिटीज, नॉट हर लुक्स. ठीक है, उसको समझा रहा है
तुमसे सही मायने में प्यार करने वाला इंसान ना तुम्हारा तुम्हारी शक्ल देखकर प्यार नहीं करेगा, तुम्हारी अंदर ब्यूटी देखकर प्यार करेगा, ठीक है। इनर ब्यूटी, तुम कैसी हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, वो देख के सब कुछ प्यार करेगा आपसे। तो जिसपे एनी कह रही है कि ठीक है ना, मैं अपना लुक चेंज कर लूँगी, मैं अपने कलर को डाई कर दूँगी कोई और कलर के साथ, तो फिर तो मैं कम अट्रैक्टिव हो जाऊँगी, तो अब जब उसके बाद जब मुझे कोई भी मिलेगा तो मेरे को फिर सच्चा चाहने वाला मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है। पोयम बहुत गंभीर होती है, अगर आपको स्कूल में इन सब का असली मतलब समझाया हो ना तो आपको मज़ा आएगी वाली चीज़ें रीड करने में। अब ना मेरे पास इतना समय नहीं है और अभी कर नहीं सकते क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम है, डाइवर्ट नहीं होना है। ओके, वॉट कलर इज़ द यंग वुमेन हेयर एंड वॉट डज शी से दैट शी कैन चेंज एंड वाई वुड शी वॉन्टेड टू डू। देखा जाए तो ऊपर वाला आंसर प्रॉपर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। एनी के जो बाल है वो येलो कलर के हैं, लाइक कलर ऑफ हनी, एंड शी सेड दैट कि वो ब्लैक, ब्राउन या कोई भी कैरेट कलर में चेंज कर लेगी। ओके, एनी इसके लिए कह रही है कि टू शो दैट आउटर ब्यूटी इज चेंजेबल, वो चेंजेबल है, परमानेंट नहीं होती है, रियल नहीं है वो, एंड शी वॉन्ट्स यंग मैन टू लुक इन हर सोल एंड लव हर फॉर देयर इनर ब्यूटी, नॉट फॉर द आउटर एंड एक्सटर्नल अपियरेंस। इन ऑर्डर टू डू सो शी नीड्स टू शो दैम द सुपरफिशियली ऑफ हर एक्सटर्नल ब्यूटी की, ठीक है। ये जो काया है वो आज सुंदर है कल नहीं रहेगा, बट जो इंसान अंदर जैसा होता है ना वो परमानेंट होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड द कॉर्डली ड्रैगन। तो कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज ही वॉज अ कावर्ड, ठीक है, उसको वो डरपोक था तो मुझे एक सुरक्षा वाली जगह चाहिए, केज चाहिए, ठीक है। इसके लिए ही इज कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन, बिकॉज ड्रैगन का मतलब, ड्रैगन तो अपन ने देखा है ना, आर मीन टू बी फियर्स, ठीक है, फियर्स ब्रेव गुस्से वाले होते हैं, बट कस्टर्ड तो ऐसा था ही नहीं। उसके अलावा जो घर में दूसरे लोग थे ना, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, वो काफी सारे ब्रेव थे, इसके लिए कस्टर्ड को हमेशा एक केज चाहिए होता था टू फील द प्रोटेक्टेड एंड द सिक्योर। ये पायरेट के आने के पहले की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हाउ कैन वी सेव द वर्ल्ड फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। अब वो अब इसमें फायर एंड आइस वाली पोयम में डिस्ट्रॉय हो रहा था तो अब कह रहा है कि बचा कैसे सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर, क्योंकि वो डिज़ायर, इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा ड्यू टू द हेट्रेड, नफरत दैट सिंबलाइज बाय द आइस, तो पोएट फील कर रहा है कि भैया दुनिया में ना भर भर के नफरतें भरी हुई है, ठीक है। आज अगर हम बात करें ना बेटा तो हम भी एक सेकंड ही लगता कमेंट करने में, लगता है ना। देखो जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ओके, मैं भी गलतियां कर सकती हूँ, शायद मैंने आगे कुछ प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं कुछ में गलती की होगी, ठीक है। तो बच्चे जैसे आप लोग हो तो कुछ ऐसे होंगे वो गलती, आज अगर ये एक घंटे का वीडियो होगा या कितना भी होगा आई डोंट नो, ठीक है, तो इसमें अगर मैंने एक मिनट के लिए कुछ गलती कर दी तो वो नीचे कमेंट में मैम आपने ये गलती कर ली, ठीक है, जिसमें आपको मैच के देती हूँ। मैंने अगर 100 सम किए हैं, 100 सम में अगर एक क्वेश्चन में गलती तो सीधा हुआ था, बट जो 100 सम किए हैं उसके लिए थैंक यू बोलने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो थैंक यू नहीं बहुत कम बोलते हैं, और गलती ही निकालने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉट द बच्चे, ये पूरी दुनिया का ये, ठीक है, आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर लो, बट अगर एक गलती करोगे ना, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर लिया, बट अगर आपने थोड़ी देर मोबाइल भी ले लिया, मम्मी का ध्यान तब चला गया, रात में पूरा दिन मोबाइल लेता रहता है, पढ़ाई कब करेगा, ये रहे बोर्ड के एग्जाम, होता है कि नहीं होता। फिर आप लोग मम्मी अब भी तो लिया है मैंने, सुबह से पढ़ाई तो कर रहा था, होता ही है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये एक है कि नफरत ये सब बहुत ज़्यादा भरी भरी है, ठीक है। तो गलतियां निकालना हमारा ह्यूमन टेंडेंसी नेचर हो गया है, तो इसके लिए जब गलतियां निकालोगे तो नफरत भरेगी, ठीक है, अप्रिशिएट करोगे तो प्यार भरेगा। तो यहाँ पे फ्रॉस्ट यही कह रहे हैं कि हम ना दुनिया को बचा सकते हैं फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय द लव एंड सेल्फलेस माइंड, ठीक है। तो हम लोग उसको बचा सकते हैं प्यार से और सेल्फलेस माइंड से, कोई भी, ठीक है, कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, पीस, कंटेनमेंट, सेंसिटिविटी, ओके, बेनेवोलेंस, जेनरोसिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक बेटर वर्ल्ड प्लेस बना सकती है जहाँ पे हम लोग मिलजुल के रह सकते हैं, ठीक है। अगर आइस और फायर नहीं हो ना बेटा तो कोई टेररिस्ट ना हो, कोई नक्सलवादी नहीं हो, ठीक है, कोई भी कंट्री किसी का बम नहीं फेंकेगी, सब प्यार से रहेंगे, अमन, पीस, ओके। चलिए नेक्स्ट, वॉट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट एंड स्नो, ठीक है। मैं ना कविता में थोड़ी खो जाती हूँ और फिर अपने विचार बताने लग जाती हूँ, तो अगर बोर मार रहा तो सॉरी है, थोड़ा सा फिर हटा देना उसको, ओके।
द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट एंड स्नो रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सेंट्रल आइडिया देखो, अभी इतना सब करते आ रहे हैं अपन, तो आपको आइडिया तो हो गया कि उस टाइम पे ना वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, सो वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। ठीक है, देखो बुरा दिन, दुखी दिन कोई ना कोई आता ही है, कोई ना कोई ऐसा टाइम आता ही है, हमारे दुखी होते, कुछ घटना घट चुकी होती है, बट थोड़ी सी भी अगर अच्छी अच्छी चीज़ हमारे साथ हो जाती है ना, तो हम फिर से खुश हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें, द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर सम बैड साइंस दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन रॉन्ग। ठीक है, द पोएम इन द पोएट इन दिस पोएम आई थिंक इज रियली अपसेट, क्योंकि हमें बताना इसलिए मैं लिख रही हूँ, दैट इज वाई ही कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर से बाहर आ रहा है, यहाँ पर टहल रहा है, बट अ क्रो शेक्स एंड स्नो फॉल्स ऑन हिम, जिसके वजह से खुश हो गया। सो पोएम हमें मैसेज बताती है कि एक उम्मीदी, ठीक है, वन होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट, ठीक है, आपका पूरा लाइफ जो है वो चेंज कर सकती है। लाइक नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, सिमिलरली इन लाइफ वी कैन मेक इन्जॉय इन अवर वर्स्ट टाइम्स ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आपसे ये कोई कहते कि अरे बेटा टेंशन मत ले, अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है, तो आपको अगर कोई अच्छा पेपर जाएगा तो आप खुश होगे कि हाँ हाँ पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो हमें बस थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए, थोड़ी सी अच्छी बातें चाहिए, और फिर हमारा दिन जो है वो अच्छा हो जाता है। तो बस इतना ही है, और यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो सन डस्ट और स्नो की पोएम में हमें समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको अच्छे लगे क्वेश्चन, और ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है, कर लिए बेटा। चलिए, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट, या तो फिर हाउ द कस्टर्ड ड्रैगन डिफीट द पायरेट। एक ही बात है, 21 में पूछा गया था। कस्टर्ड वॉज ट्रूली ब्रेव एंड डिड नॉट बोस्ट लाइक द बेलिंडा एंड द अदर पेट्स। ठीक है, तो वो मतलब छुप नहीं गया, काफ़ी ब्रेव था। कस्टर्ड हैड द करेज टू फेस द रियल डेंजर, वेयर इज एवरी वन ओनली बोस्टेड ऑफ द ब्रेवरी। ठीक है, बोस्टेड मतलब कि डिंगे हाँकना। ठीक है, तो सब लोग डिंगे हाँक रहे थे। अब उसके पास बड़े बड़े दांत थे, बिग शार्प टीथ, ओके, स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, बताया ना ड्रैगन के ऊपर की तरफ स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, उसके पूरी बॉडी में स्केल्स होते हैं, स्केल्स मतलब वो खुरदरापन, ठीक है, ऐसे करके। बट एवरीवन लव्ड एट हिम एज ही ऑलवेज, ठीक है, वो हमेशा है ना प्रोटेक्ट लेने के लिए केज के लिए बोलता, मेरे को केज दो, केज दो, सब लोग सिर्फ हंसते थे। वेयर इज जहाँ पर, ठीक है, एवरीवन बोस्टेड अबाउट द ब्रेवरी, बट व्हेन द पायरेट एंटर्ड, सबके सब डर गए, भाग गए, छुप गए, डिसअपियर हो गए, सिवाय कस्टर्ड के, जिसने उसको हिम्मत से सामना किया उसका। ही अटैक द पायरेट, हिट हिम हार्ट विथ हिज फोर्सफुल टेल एंड ग्लोव्ड एवरी बिट ऑफ हिम, गटक गया, ठीक है, पूरा का पूरा। ऑल ऑफ देम लेटर felt obliged टू कस्टर्ड फॉर सेविंग their लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से उसने पायरेट का सामना किया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया आपके पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस इसको लर्न कर लीजिए और अपने पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, जो 12 मार्क के क्वेश्चन आने वाले, 6 मार्क के आने वाले। ठीक है, 6-6 करके 12 मार्क, 6 तो मैंने आपको पहले बता दिए थे प्रोज सेक्शंस सेक्शन ए के अंदर, पोएट्री मैंने अभी दे दिया। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम बाकी मुझे और बहुत सारी चीज़ें बनानी है आपके लिए। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और ये सब कुछ तो बनाने लग जाती हूँ, और आप इसको लर्न करने लग जाइए। बाय बाय, टेक केयर।